ये चार यहाँ पर चार फिगर है और यहाँ पर 4 by 4, by 4, by और by चार फिगर में, चार में है जैसे कि यहाँ पर चार पार्ट शेडेड है चार पार्ट है और उसमें से साढ़े पांच सेडेड है इसलिए हम लोग लिखेंगे फोर बाई फोर और दूसरे फिगर में यहाँ पर तीन पार्ट से हम लोग इसे लिखेंगे थ्री बाई फोर यहाँ पर चार पार्ट्स है इसलिए हम लोग इसे लिखेंगे फोर डेनामिनेटर में लिखेंगे और थ्री पार्ट सेडेड है इसलिए हम लोग इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे यहाँ पर दो पार्ट सेडेड दे दे है और चार पार्ट्स है टू बाई फोर यहाँ पर वन पार्ट सेडेड है वन बाई फोर नंबर्स गेट ग्रेटर जीरो बाई फोर वन बाई फोर टू बाई फोर थ्री बाई फोर यहाँ पर बता रहे नंबर्स बड़ा हो रहा है यहाँ पर नंबर बड़ा हो रहा है जैसे कि यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होते जा रहा है और ये डेनोमिनेटर सेम ही रहेगा यहाँ पर यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम ही और न्यूमरेटर जो है वो एक एक करके बड़ा होते जा रहा है यहाँ पर जीरो बाई फोर वन बाई फोर टू बाई फोर थ्री बाई फोर फोर बाई फोर और यहाँ पर करते करते यहाँ पर ट्वेल्व बाई फोर तक जा रहा है जीरो बाई फोर में जीरो है यहाँ पर यहाँ पर जीरो है और फिर यहाँ पर फोर बाई फोर में वन हो गया फिर एट बाई फोर में टू और यहाँ पर ट्वेल्व बाई फोर में थ्री जीरो बाई फोर देर इज जीरो यहाँ पर हम लोग जीरो इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर चार चार करके फोर जीरो फोर एट और ट्वेल्व इसलिए यहाँ पर हम लोग पहले जीरो पर लिखे वह जीरो यहाँ पर यहाँ पर जीरो है तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखे इसको जीरो लिखे और फिर फोर आएगा तो फिर हम लोग फोर पर वन लिखे फिर एट पर टू लिखे फिर ट्वेल्व पर थ्री लिखे और ये और भी आगे बढ़ सकता है ये ये इनफाइनाइट है ये और भी बहुत आगे जा सकता है ये सिक्सटीन तक जाएगा सिक्सटीन तक हो जाएगा फोर ट्वेंट फिर हो जाएगा ट्वेंटी पर हो जाएगा फाइव फिर ऐसे और बढ़ सकता है ये इनफाइनाइट है नंबर्स गेट स्मॉलर इसमें नंबर छोटे होता है यहाँ पर क्या है ट्वेल्व बाई फोर इलेवन फाइव फोर टेन बाई फोर नाइन बाई फोर यहाँ पर ये यह सेम ही है नंबर्स गेट ग्रेटर में है कि यहाँ पर जीरो से बढ़ रहा है जीरो वन टू थ्री फोर और नंबर्स गेट स्मॉलर में है कि ट्वेल्थ से धीरे हो रहा है ट्वेल्थ से पीछे जा रहा है ट्वेल्थ इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड जीरो इसको यहाँ पर हो गया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया यहाँ से यहाँ तक जा रहे तो फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर कोई नंबर जो नंबर पीछे से जा रहा है मतलब कि अगर यहाँ पर है ट्वेंटी और फिर नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन हो रहा है तो फिर उसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हम लोग उसे कह सकते हैं और डिसेंडिंग भी डिक्रीजिंग ऑर्डर और इसमें इंक्रीज हो रहा है यहाँ से इंक्रीज हो रहा है जब कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है जैसे कि वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर तो आप हाँ वो उसे कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर और हम लोग इसे असेंडिंग भी कर सकते हैं Ascending order भी हम लोग इसे कह सकते और यहाँ पर पर तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे descending. Descending भी हम लोग इसे बोल सकते कंपेयर द न्यूमरेटर्स ग्रेटर द बिगर ग्रेटर फ्रैक्शन यहां पर बोल रहा है कि न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना ये सब जो न्यूमरेटर है यहाँ सब ये ये सब न्यूमरेटर हो गया ये सब न्यूमरेटर हो गया तो फिर उसको बोल रहा है कि इससे हम लोग को कंपेयर करना कि कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन ज़्यादा छोटा है द ग्रेटर द न्यूमरेटर द बिगर दि फ्रैक्शन अगर जो न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर जैसे कि थ्री बाई फोर और वन बाई फोर तो इसमें थ्री ज़्यादा बड़ा है तो फिर यहाँ पर फ्रैक्शन का ज़्यादा बड़ा थ्री होगा अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में कंपेयर दी फ्रैक्शन ए थ्री बाई फोर और वन बाई फोर तो इसमें पहले हम लोग को न्यूमरेटर कंपेयर करना होगा थ्री इज ग्रेटर देन वन यहाँ पर थ्री वन से बड़ा है हम लोग को ये डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर कंपेयर नहीं करना होगा हम लोग को सिर्फ इसमें न्यूमरेटर कंपेयर करना होगा अगर न्यूमरेटर जो भी न्यूमरेटर बड़ा है वो वो ज़्यादा बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होगा इसमें ये लिखा है थ्री बाई फोर वन तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थ्री बाई थ्री इज ग्रेटर देन वन इसे हम लोग ग्रेटर देन कहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे थ्री बाई फोर इज़ ग्रेटर देन वन यहाँ पर वन बाई फोर तो फिर हम लोग इसको यहाँ कहेंगे इस तरफ कहेंगे और यहाँ पर फाइव बाई सेवन और नाइन बाई सेवन है तो फिर इसके लिए भी हम लोग वही करेंगे फाइव और नाइन तो इसमें ज़्यादा बड़ा नाइन है फाइव से ज़्यादा बड़ा नाइन है तो फिर हम लोग नाइन की तरफ वो एड करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज स्मॉलर देन यहाँ का आंसर लिख देते हैं थ्री बाई फोर इज ग्रेटर देन वन बाई फोर थ्री बाई फोर इज ग्रेटर Then, और इसमें लेकिन हम हम लोग लोग लिखेंगे लिखेंगे इस स्मॉलर देन क्योंकि ये ये तरफ जा तो पर पर आंसर दोनों उल्टा है यहाँ पर, पर थ्री बाई फोर इसमें ये, इसमें ये वाला इस, इस साइड का ग्रेटर है और इसमें ये वाले साइड का ग्रेडर है दोनों अलग अलग साइड का है आंसर फाइव बाई से हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि by 7, it's smaller than by अगर इस साइड का ये वाला जो साइड है वो उसमें अगर वो वाला साइड बड़ा तो फिर हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन। तो हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन और अगर ये वाला साइड बड़ा है ये वाला साइड जैसे कि बड़ा है तो फिर उसका हम लोग लिखेंगे स्मॉलर देन थ्री बाई फोर इज ग्रेटर देन वन बाई फोर एंड फाइव बाई सेवन इज स्मॉलर देन वन बाई सेवन एंड नाइन बाई सेवन नंबर्स गेट ग्रेटर जीरो बाई फोर वन बाई फोर इज ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोग इसे कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर और यहां पर ये यह डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम लोग इसे कहेंगे डिक्रीज हो रहा है कि मतलब यहां पर घट रहा है ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन तो ये घट रहा है तो फिर हम लोग इसे कहेंगे ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर और यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो फिर हम लोग इसे कहेंगे इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर कंपेयर डिन्यूमरेटर द्रेटर डिन्यूमरेटर द बिगर ग्रेटर अगर हम लोग को कोई भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो फिर उसके लिए हम लोग को न्यूमरेटर कंपेयर करना होगा उसके लिए हम लोग का न्यूमरेटर कंपेयर करना होगा और फिर अगर जो भी न्यूमरेटर बड़ा है उसके लिए हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन या स्मॉलर देन और यहाँ पर थ्री ये साइड का न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम लोग इसके लिए लिखेंगे इस साइड का फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम लोग इसके लिए लिखेंगे थ्री बाई फोर इस ग्रेटर देन और अगर दूसरे साइड का ये वाले साइड का ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम लोग लिखेंगे स्मॉलर देन ये वाला स्मॉलर देन स्मॉलर दैन इसके लिए इस साइड के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉलर दैन अगर ये वाला साइज ज्यादा बड़ा है और ये वाला साइज ज्यादा छोटा तो फिर उसके लिए लिखेंगे फाइव बाई सेवन इज स्मॉलर दैन नाइन बाई सेवन यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन मिला है उसके लिए हम लोग इसे स्मॉलर दैन करके लिखेंगे और फिर अगर यहाँ पर जो फ्रैक्शन है अगर ये वाला फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा है तो फिर हम लोग इसके लिए लिखेंगे ग्रेटर दैन सो स्टडी मोर अबाउट फ्रैक्शन ये सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग